तुझा आदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर गीत के बाद आप गंभीर हो गए। और ये अपनी हथेली क्यों देख रहे हैं? पैसा आने वाला है क्या? अच्छा, ऐसे देखें तो पैसा आता है? अरे नहीं बाबा, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? हथेली की रेखाएं पढ़ रहे हैं? आप इन पर विश्वास करती हैं क्या? अरे इनको कोई पढ़ सकता है क्या भला? तकदीर में क्या है कौन जान सकता है। फिर भी लोग विश्वास करते हैं तकदीर पर। वहीं कुछ लोग तदबीर के कायल होते हैं।
लकीरों का हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का सब खेल है बस तकदीरों का तकदीर है क्या मैं क्या जानूं तकदीर है क्या मैं क्या जानूं तकदीर है क्या मैं क्या जानूं मैं आशिक हूँ तदबीरों का मैं आशिक हूँ तदबीरों का हाथों की चंद लकीरों का अपनी तकदीर से कौन लड़े पनघट पे प्यासे लोग खड़े अपनी तकदीर से कौन लड़े पनघट पे प्यासे लोग खड़े ओ मुझको करने हैं काम बड़े ओ यारा काम बड़े ओ लाले काम बड़े है शौक तुझे तकरीरों का है शौक तुझे तकरीरों का तदबीरों का हाथों की चंद लकीरों का किस्मत का मैं बंदा अपनी हिम्मत का मैं मालिक अपनी किस्मत का मैं बंदा अपनी हिम्मत का ओ देखेंगे तमाशा दौलत का यारा दौलत का ओ यारा दौलत का हम भेस बदल के फकीरों का हम देश बदल के फकीरों का देखेंगे खेल तकदीरों का तकदीर है क्या मैं क्या जानूं तकदीर है क्या मैं क्या जानूं मैं आशिक हूँ तदबीरों का हाथों की चंद लकीरों का लररम तम तम लररम तम तम लररर लररम तम तम लररम तम तम लररर लररम तम तम हम भी कायल हो गए किस चीज के शम्मी कपूर और दिलीप कुमार की दोस्ती के जी हाँ फिल्म विधाता 1982 में ये फिल्म बनी निर्देशक सुभाष घई थे इस एक्शन ड्रामा फिल्म में कई सुपरस्टार थे लेकिन शम्मी कपूर संजीव कुमार और दिलीप कुमार की एक्टिंग इस फिल्म में भी बेमिसाल रही बिल्कुल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर सम्मान मिला था संजीव कुमार और शम्मी कपूर को मुझे भी शमी कपूर और दिलीप कुमार की दोस्ती बहुत मजेदार लगी एक और बेमिसाल दोस्ती वाली फिल्म का ये गीत सुना देते हैं आप भोले मेरे यार को मना दे
जगा दे, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले, उसको नहीं पहचान मेरी, जिस्म हूँ मैं वो जान मेरी, उसको नहीं पहचान मेरी, प्यार मेरा तू जाने, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले, रूना बाजे, बम 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 फिर तू ना नाचे, यार अगर ना माने, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। सो 81 में बनी फिल्म याराना में दो दोस्तों की बेमिसाल दोस्ती की कहानी थी। ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने क्या कहानी लिखी थी, किस तरह गांव में बसे दो दोस्त बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे की परवाह करते हैं। पहले अमजद खान अमिताभ बच्चन को गायक बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं, और जब अमिताभ बच्चन कामयाब होते हैं और अमजद खान परेशानी में पड़कर पागल हो जाते हैं, तब अमिताभ बच्चन उनके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करते हैं। हाँ, वो पराठे बनाते हैं जैसे गांव में उनके लिए बनाया करते थे, और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। याराना फिल्म से ही अमजद खान ने सकारात्मक रोल करना शुरू किया था, और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर सम्मान मिला था। अब राजश्री जी ये बता दीजिए कि किस गाने को रंगोली का अगला गीत बनने का सम्मान मिलने वाला है। इतना घुमाकर, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हे प्रभु, इतनी बड़ी फिलोसॉफी। अरे अगले गीत की लाइन है बाबा, ये गीत फिल्म बादल का है, लीजिए सुनते हैं। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है।
क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी ना हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी ना हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए। खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, आजाद फिक्र दे इंसान अंदाज क्यों गुलामाना, सर ये नहीं झुकाने के लिए, सर ये नहीं झुकाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, कदमों तले जमीन तो क्या हम आसमान रखते हैं, गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए। चल आफताब लेकर चल, चल महताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल महताब लेकर चल, तू अपनी एक ठोकर में सौ इनकलाब लेकर चल, जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए।
जिए तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए सुखी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। ये भी सही है कि रंगोली में गीतों के साथ रोचक किस्से नहीं किए तो क्या किए, तो सुना दीजिए। बात 1975 में आई फिल्म धर्म करम की है। रणधीर कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राज कपूर ने काम किया था। अपने पिता को पुत्र कास्ट करे ये सौभाग्य बेटे रणधीर कपूर को ही मिला, अन्य दोनों बेटों को नहीं मिल सका। जबकि ऋषि कपूर और राजीव कपूर इस मामले में खुशनसीब थे जिन्होंने अपने पिता के निर्देशन में काम किया था। ये मौका रणधीर कपूर को नहीं मिल सका था। ऐसा भी होता है। धर्म करम का ये गाना एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। इसको पेश करने से पहले ये जरूर बता दें कि मुकेश का राज कपूर के लिए गाया गया ये आखिरी गीत था। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे गो। ला 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 ला। पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से गो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे गो। ला 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 ला। Yeah.
पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे, खोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यार तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के नाम, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 गीत के बाद मैं ऐसी फिल्म का गीत पेश करने जा रही हूँ जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। अच्छा, तैयार है? और ये गीत सुनकर क्या होगा? अच्छा सवाल है। हाँ, बहुत तेज है। अब आपके साथ हूँ तो ध्यान रखना पड़ता है। चलिए फिल्म का नाम बता दीजिए। फिल्म का नाम है जबक। ये फिल्म रहस्य रोमांच नाट्य से भरपूर एक हास्य फिल्म थी। इसमें हिंदी, उर्दू, फारसी, तुर्की जैसी कई भाषाओं का प्रयोग किया गया था। जबक नाम ही अपने आप में खास है। हीरो का नाम जबक था क्या? जी, 1961 में आई इस हिट फिल्म का ये गीत आपने जरूर सुना होगा। प्रेम धवन का लिखा, चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गीत। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद, हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर, आएंगी बहारे तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। आएंगी बहारे तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। कभी देखी थी बाहर, कभी हमसे था प्यार, जरा याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद, हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर, खता है ना मेरी ही खता है, जो होना था हुआ, जो होना था हुआ, है किसी से क्या गिला। दुखो रोए मेरा प्यार, कहीं दिल की पुकार, हमें याद रखना।
तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी कसम हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर जिंदगी में मिलना और बिछड़ना लगा ही रहता है और प्यार मोहब्बत में मिलन तक तो सब ठीक रहता है लेकिन अगर बेवफा मिल जाए तो यही प्यार जानलेवा बन जाता है। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लीजिए अब तो यही कहना पड़ेगा कि मोहब्बत में सब जायज है, मतलब बेवफा ने भी अपने लिए बहाने निकाल लिए हैं। ये तो मुकद्दर की बात है, नसीब में जिसके जो लिखा था। ये तो दो बदन फिल्म के गीत की लाइन है। इस फिल्म को बनाने का आइडिया राज खोसला को मनोज कुमार ने दिया था और अपनी बात मनमाने के लिए मनोज कुमार उन्हें फिल्म दीदार दिखाने ले गए और उसके बाद दीदार से मिलती जुलती कहानी लिखी गई और बनी फिल्म दो बदन। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था मैं एक फसाना हूँ बेकसी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का। मैं एक फसाना हूँ बेकसी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का। न हुस्न ही मुझको रास आया, न इश्क ही मेरे काम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था बदल गई तेरी मंजिलें भी, बिछड़ गया मैं भी कारवां से। बदल गई तेरी मंजिलें भी, बिछड़ गया मैं भी कारवां से। बिछड़ गया मैं भी कारवां से तेरी मोहब्बत के रास्ते में। न जाने ये क्या मकाम आया, नसीब में जिसके जो लिखा था। तुझे बुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई हैं। तुझे बुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई हैं, तमाम नाकाम हो गई हैं। किसी ने जिक्र वफा किया जब जुबान पे तेरा ही नाम आया। नसीब में
जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया, नसीब में जिसके जो लिखा था। मंजिल से गुमराह होना, कारवां से बिछड़ना, ये सब समय समय की बात है राजश्री जी। जो दिल के करीब होता है बिछड़कर दूर भी वही जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, वो इतनी दूर हो गया जितने करीब था। जयंत जी एक बात बताइए, लोग जब प्यार करते हैं तभी ये सब तमाम बातें क्यों नहीं सोच लेते हैं? अरे बिल्कुल सोचते हैं, कहीं न कहीं मन में डर तो रहता ही है, तभी तो दोनों ही सौ सौ वादे करते हैं, कसमें खाते हैं, जैसे इस गीत में मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। क्या बात है, फिल्म प्यार का सागर का ये गीत है। गीत प्रेम धवन का और संगीत रवि का, आशा भोसले और मोहम्मद रफी के स्वर में पेश है ये गीत। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारी ये दिल भी तुम्हारा, जो ना हो यकीन तो कभी आजमाने, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। फिल्में समाज का आईना होती हैं, समाज की स्थिति और समस्याओं को दर्शाती हैं और कहीं न कहीं उसका हल भी निकालती हैं। राजश्री जी हाँ। एक बात तो है, फिल्में बहुत सशक्त माध्यम हैं, लोग इससे प्रभावित भी बहुत होते हैं। समय समय पर पारिवारिक फिल्मों के साथ साथ सामाजिक फिल्में भी बनी और हिट भी हुई। जी हाँ, ऐसी ही एक फिल्म 1982 में आई थी निकाह। तलाक पर महिलाओं के हक को लेकर बीआर चोपड़ा ने यह फिल्म बनाई थी। सलमा आगा की ये पहली फिल्म थी। कहानी, पटकथा और संवाद लेखन के तौर पर डॉक्टर अचला नागर की भी ये पहली फिल्म थी और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सम्मान भी मिला था।
तो सलमा आगा की आवाज में इस फिल्म का ये गीत पेश है। निकाह की तरह ही एक फिल्म आई थी आनंद, जिसका विषय लीक से हटकर था और फिल्म सुपरहिट रही। बेस्ट फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म आनंद मात्र 28 दिन में बनी थी। राजेश खन्ना का कितना सशक्त रोल था इसमें। खुद की मृत्यु की जानकारी के बाद भी हंसते रहना और सबको हंसाने वाला किरदार, ये संदेश देता है कि बाबू मोशाय जितना भी जियो भरपूर जियो। बिल्कुल, और आपको पता है बाबू मोशाय राज कपूर ऋषिकेश मुखर्जी को कहा करते थे और ऋषिकेश मुखर्जी ने ये संबोधन इस फिल्म में इस्तेमाल कर लिया जो बहुत लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म में लिखे योगेश के गीत भी बहुत लोकप्रिय हुए। पहले ऋषिदा ने एक ही गीत लिखवाया था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और दादा को इतना पसंद आया कि उन्होंने एक गीत और लिखवाया, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। और इस फिल्म से योगेश जी, जो फिल्मी बाजार से आउट हो गए थे,
फिर से स्थापित हो गए। इस फिल्म से सलील चौधरी की भी वापसी हुई थी। तो पेश है योगेश का लिखा और सलील चौधरी के संगीत से सजा ये प्यारा सा गीत। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर लाए, नजर लाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे
इनके ये साए, इनके ये साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। रंगोली के आखिरी पड़ाव पर हैं, अब किधर का रुख करने वाले हैं जयंत? गंगा की तीर चलें। जयंत जी, आपको जरा सा छूट दे दो ना तो बस आप हाथ से बाहर हो जाते हैं। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप ही सोचिए, बनारस का पान खाना है तो गंगा के किनारे तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा कहिए ना कि अगला गीत हम खई के पान बनारस वाला पेश करने जा रहे हैं। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, समझने में थोड़ी गलती हो गई। चलिए चलिए गंगा किनारे। अनजान का लिखा गाना, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, स्वर किशोर कुमार का, और फिल्म का नाम खुद समझ जाएंगे आप। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय 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 कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं, कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा साधा मैं, कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी बाबा। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनाओ रस वाला,
बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल। वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला। सात सुरों का साज है रंगोली, आओ के मन के आंगन में विविध भारती का श्रृंगार है रंगोली, हमारा आपका प्यार है रंगोली। हर हफ्ते आपसे मुलाकात करवाने वाला कार्यक्रम है रंगोली। रंगोली का एक नया एपिसोड लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राजश्री त्रिवेदी और जयंत पात्रीकर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सहेली रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटकी।